हे वंडरफुल पीपल हाउ आर यू आल आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट सो टूडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज़ फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कवरीज फॉर द पोस्ट ऑफ यूनियन असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन वर्ल्ड इन एडवेंचर तो सबसे पहले देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दैट इज़ एडमंड हिलारे एंड शर्पा टेंजिंग कौन थे एडमंड हिलारे एंड शर्पा टेंजिंग देखो माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है और हिल हिल भी देखो पहाड़ को ही बोलते हैं और जो इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा है पहली बार ठीक है तो उसका शेर जैसा जिगरा होगा है ना वो शेर जैसा होगा तो शेरपा इससे याद हो जाएगा आपको हिल माउंटेन इस तरह से आप इस निमोनिक से इसको याद रख सकते हैं नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस ठीक है जिसने दो बारी चढ़ दिया उन्होंने एक बारी चढ़ा पहली बार चढ़ा ये दो बारी चढ़ गए तो ये थे निवांग गोम्पू ठीक है सब लोग उसको बोलते थे तू ना गोम्पू है गोम्पू टाइप का है ठीक है तू डल टाइप का तो वो बोलता है मैं कोई गोम्पू शम्पू नहीं हूँ मैं टवाइस दो बारी क्या करूँगा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ठीक है पहली ऐसी महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई तो उनका नाम क्या था जुनको तबई देखो अब कोई वुमेन है वो इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ने जा रही है ठीक है इतने बड़े सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ने जा रही है तो उनका नाम क्या होगा या उनकी तबीयत कैसी होगी जिनकी तबीयत अच्छी होगी वही तो चढ़ पाएगी ना वही भी चढ़ पाएगी अब जो बीमार होगा वही थोड़ी ना चढ़ पाएगा तो पहली ऐसी महिला जिनकी तबीयत बहुत अच्छी थी मतलब जिनको तब पहली ऐसी महिला थी जो क्लाइम कर गई माउंट एवरेस्ट पे और पहली ऐसी महिला जो दो बारी क्लाइम कर गई दैट इज़ संतोष यादव देखो संतोष क्या होता है मतलब पेशेंस अब उनमें इतना पेशेंस था कि वो दो बारी वहाँ पे चढ़ाई कर गई संतोष यादव याद रखेगा नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ठीक है तो पहली ऐसी महिला जो विदाउट ऑक्सीजन पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई तो उनका नाम क्या था शेरपा एंग एंगा दौर देखो अब विदाउट वो ऑक्सीजन चढ़ गई ऑक्सीजन की हेल्प भी नहीं उन्होंने ली तो उनके शेर जैसे अंग होंगे ठीक है मतलब उनकी बॉडी कैसी होगी अंग क्या होता है शरीर होता है ठीक है बॉडी होती है तो उनके शेर जैसे अंग हो गए तभी वो इतनी दूर चढ़ गई है ना शेर जैसे अंग होंगे इसलिए दूर चढ़ गई और विदाउट ऑक्सीजन चढ़ गई सो फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल इज़ अमनसर एंड फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल इज़ रॉबर्ट प्यारी ठीक है अच्छा बताओ फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल कौन है अमनसन एंड फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल इज रॉबर्ट प्यारे रॉबर्ट प्यरे ठीक है प्यरे प्यारे जैसे भी आप अनाउंस करो इसको नेक्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून सबको पता है नील आर्मस्टॉन्ग ये कोई निमोनिक्स देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है और फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मैन पे मैन uh, को मून पे भेजा था दैट इज़ द यूएसए अमेरिका फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड ठीक है तो पूरी दुनिया में सेल करने वाला पहला ऐसा व्यक्ति वो कौन थे मैगेलेन देखो अब क्या कहते हैं सभी लोग मैगी के पीछे बड़ा भागते हैं दो मिनट में बन जाएगी मैगी ले आओ अगर खाना नहीं बनाया घर में या कोई टेस्टी खाना नहीं बनाया तो क्या कहते हैं मैगी को ढूंढने लगते हैं बाजार जाके तो मैगी के लिए वो पूरी दुनिया को मतलब पूरी दुनिया में घूम के आ जाएंगे तो, तो दैट इज़ द मैगेल इससे आप यहाँ पे याद रख सकते हो फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड इज मैगेल फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू स्पेसिस यूरी गगारिन आई थिंक ये सभी को याद होगा फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इंटू स्पेसिस वेलेंटीना तेरिश कोवा ठीक है आप किस तरह से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो वेलेंटीना तेरिस कोवा फर्स्ट प्लाइंट मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज एरिक वेहन मेयर ठीक है एरिक वे हेन मेयर फर्स्ट मैन टू वॉक इन द स्पेस इज अलेक्सिया लेनोव एलेक्सिया लिनोव इज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन द स्पेस एलेक्सिया लेनोव ठीक है मैं दो तीन बार बोल रही हूँ ताकि आपको आप दो तीन बार ये सुनोगे अगर एक बार और वीडियो देखोगे और नोट्स पढ़ लोगे पी डी एफ पढ़ लोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन दैट इज राइट ब्रदर्स ये कौन नहीं जानता ठीक है मैक्सिमम आपको आते ही होंगे इनमें से स्टीम इंजन को इन्वेंट करने वाले पहले व्यक्ति देखो डिस्कवरीज़ और इन्वेंशन में अगर आपको पता हो ये तो बेसिकली इसमें मैंने कुछ इन्वेंशन भी डाली हुई है देखो इन्वेंशन क्या होता है जब कोई न्यू चीज़ डिस्कवर करते हैं मतलब जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती है उसको बोलते हैं इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ क्या होती है कि जो पहले से एग्जिस्ट करती है ठीक है उसको डिस्कवरी बोलते हैं कि पहले से एग्जिस्ट करती है उसको डिस्कवरी बोलते हैं जैसे ग्रेविटी वो पहले से एग्जिस्ट करती थी है ना और इन्वेंशन क्या हो गया जो समथिंग न्यू जो इन्वेंट हो रहा है तो ये भी मैंने डाल दिया क्या पता इसमें से क्वेश्चन पूछ जाए तो स्टीम इंजन को इन्वेंट करने वाले थॉमस न्यू कॉमेन ठीक है न्यू कॉमेन और वाट स्टीम इंजन को इन्वेंट करने वाले जेम्स वाट देखो यहाँ पे भी वाट लगाए यहाँ पर भी वाट लगा है तो आप इजली वे में इसको याद रख सकते हो ठीक है मर्करी थर्मोमीटर दैट इज डेनियल गैबराइल गैब्राइल फार्ने हाइट ठीक है टेम्परेचर को हम फाना हाइट में करते हैं ना मेजर तो थर्मामीटर और फानाहाइट इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो टेलीस्कोप की बात करें तो दैट इज़ गले ये सभी को पता होगा टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था गलेलियो ने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज जानसेन ठीक है जानसेन देखो माइक्रोस्कोप में हम छोटे छोटे जर्म्स भी देख सकते हैं ना छोटे छोटे जर्म्स देख सकते हैं उनको बड़ा करके देख सकते हैं ठीक है हाथों में देख सकते हैं जर्म्स हैं कि नहीं जहाँ पे भी याद आप देखना चाहो तो माइक्रोस्कोप से जानसेन या जर्म्स आप याद रख सकते हो जानसेन जर्म्स माइक्रोस्कोप ओके सो मैग्नीफाइंग ग्लास इज रोजर बैकॉन रोजर बैकॉन मैग्नीफाइंग ग्लास ओके प्रिंटिंग प्रेस जोनिस गुटनबर्ग ठीक है कोई जो बूढ़ा व्यक्ति होगा घर में तो बोलता है मेरे घुटने में बड़ी दर्द हो रही है थोड़ा प्रेस कर दोगे थोड़ा दबा दोगे ठीक है तो प्रेस से गुटनबर्ग या घुटने आप याद रख सकते हो प्रिंटिंग प्रेस गुटन घुटने और प्रेस ओके नेक्स्ट इज वॉच ठीक है वॉच को पोर्टेबल जो क्लॉक्स होती हैं उसको किसने किन्होंने इन्वेंट किया था पीटर ने पीटर ने देखो गर्मी में कई लोगों ने मुर्गियाँ रखी होती हैं तो बोलते हैं भाई हैंड को ना कोई ले ना जाए हैंड को कोई ले ना जाए तो उसको वॉच करते रहो ठीक है कोई कुत्ता या कोई कुछ ले जाए तो उसको क्या करते रहो वॉच करते तो वॉच तो का क्या आ जाएगा पीटर हैंडले ठीक है स्टीम बोट की अगर हम बात करें दैट इज़ डेनिस पैपिन ठीक है बोट पे बैठने के लिए किसी को डर लगता है कुछ बच्चों को डर लगता है तो बोलते हैं कि हम पापा के पास बैठ जाएंगे पापा के साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा हमें बोट से बैठने बोट पर बैठने के लिए हमें डर नहीं लगेगा तो स्टीम बोट डेनिस पैपिन नेक्स्ट इज़ एक्रोमेटिक लेंस जॉन्स डोलंट एंड सब को किसने इन्वेंट uh, किया था डेविड बुशनेल ने सब डेविड बशनैल बाई लेंस की बात करें बेंजामिन फ्रेंकलिन का नाम आएगा और गैस टर्बाइन की बात करें दैट इज जॉन बार्बर गैस टर्बाइन इज डिस्कवर्ड बाय द इन्वेंटेड बाय द जॉन बार्बर इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करते हैं तो वोल्टा देखो बैटरी और वोल्टा याद रखिएगा बैटरी और वोल्टा स्टीम लोकोमोटिव की बात करें रेलवे की दैट इज रिचर्ड ट्रेवी थिक रिचर्ड ट्रेविथिक स्टीम लोकोमोटिव नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप रेने लेनेक ठीक है स्कोप रेने लेनेक ओके नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर जॉन हेनरिच लैमबर्ट जॉन हेनरिच लैमबर्ट हाइग्रोमीटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो माइकल फेरेडे इलेक्ट्रिक मोटर टाइप राइटर की बात करते हैं देखो वर्ड्स लिखते हैं ना टाइपराइटर में क्या लिखते हैं वर्ड्स लिखते हैं तो टाइपराइटर किसने इन्वेंट किया है विलियम आस्टिन बर्ट ने स्विंग मशीन बारथेलमी थीमोनियर बारथेलमी थीमोनियर एंड डायनेमो अगेन माइकल फेरेडे ठीक है माइकल फेरेडे और देखा हमने क्या इलेक्ट्रिक मोटर और डायनेमो माइकल फेरेडे बोथ नेक्स्ट इज टेलीग्राफ टेलीग्राफ इज सेम्यूल मॉर्सी से। सेम्यूल से और रिवॉल्वर जो डिशुम डिशम करने वाली होती है दैट इज सेम्यूल कोल्ट ओके रिवॉल्वर सेम्यूल कोल्ट पैडल ड्रिवन बाईसाइकिल किर्क पैट्रिक मैकमिलन पैडल ड्रिवन बाइसाइकल किर्क पैट्रिक मैकमिलन एंड एलिवेटर या लिफ्ट की बात करें दैट इज एलिशा ओटिस एलिशा ओटिस मशीन गन इज़ इन्वेंटेड बाय द रिचार्ड गोडन गैटले मशीन गन रिचार्ड गोडन गैटले ओके नेक्स्ट इज़ द डायनामाइट डायनामाइट तो सभी को पता है एल्फर्ड नोबल जिनके नाम पे नोबल प्राइज भी दिए जाते हैं डायनामाइट एल्फर्ड नोबेल नोबल ब्रेक इज जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ब्रेक फॉर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस एंड टेलीफोन सभी को पता है बेल बजती है तो बेल किसने बजाई है पहली बार दैट इज़ एलेक्जेंडर ग्राम बेल और फिल्म या मूवी कैमरा की अगर हम बात करें लुइस ले थॉमस एल् एल्वा एडिसन मतलब एडिसन ने इनको इसको इन्वेंट किया था और इलेक्ट्रिक लैंप और बल्ब भी किसने किया था एल्वा एडिसन ने ही किया था ठीक है एक्सरे की बात करें दैट इज़ द विल कोनार्ड कोनाड टेन ठीक है रोंग टेन देखो धूप में क्या होता है सर्दियों में हमें इतनी ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मगर हम जब सन के रेस पे के पास जाते हैं तो हमारे मतलब हमें ठंड लगना बंद हो जाती है तो कोनार्ड कोनाड रोंगटेन एक्सरे नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज एंड्रिको फर्मी एंड द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आई थिंक ये दो बार रिपीट हो गया दैट इज एकर्ट एंड मोस्ले ठीक है आपने कंप्यूटर है तो उसमें तो आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मोकले मोक्टले एंड एकट ओके नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर दैट इज़ विलियम शॉकले जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्रेटन ट्रांजिस्टर शॉकले बार्डिन ब्रेटन नेक्स्ट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कैपनी फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कैपनी एंड आर्पानेट द प्रिकर्सर टू द इंटरनेट पहला जो नेटवर्क बना था दैट इज़ लियोनार्ड क्लेन रॉक क्लेन रॉक जो कि अमेरिका के थे और इंटरनेट कब डिस्कवर हुआ था 1969 में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में मगर आपको तो ये नहीं पूछ जाएगा है सो आर्पानेट को किसने इन्वेंट किया था दैट इज़ द लियोनार्ड क्लेन रॉक ने ठीक है तो आर्परनेट की फुल फॉर्म भी केवल एग्जाम में आती है तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म रहेगी रेडियो की बात करें तो मार्कोनी का नाम यहाँ पे आएगा गुगलीओ गुगलीए लो मो मार्कोनी ठीक है अजीब सा नाम है ये सो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं अभी तो फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल दैट इज़ मैथ्यू वेब मैथ्यू वेब इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल एंड द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज गड ट्रूड एडरले गड ट्रूड एडर् द फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप मैंस की बात करें दैट इज़ द उर्गुए एंड द फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप दैट इज़ द यू एस ए देखो दोनों यू यू से हैं और ये फीफा के रिलेटेड हैं उर्गुए और यू एस ए याद रखिएगा नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट टीम टू विन द हॉकी वर्ल्ड कप दैट इज़ द पाकिस्तान एंड फर्स्ट टीम टू विन द वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप दैट इज़ द नीदरलैंड ठीक है हॉकी में पहली बारी पाकिस्तान ने यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और फर्स्ट टीम टू विन द वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप दैट इज द नीदरलैंड फर्स्ट टीम टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ द वेस्ट इंडीज एंड द फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता था दैट इज़ द इंग्लैंड देखो ये नाइनटीन सेवेंटी थ्री में वुमेंस ने पहले ही जीत लिया था मैन से फर्स्ट टीम टू विन द वर्ल्ड T20 Cricket क्रिकेट that दैट इज द इंडिया ठीक है ये आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी इसको इग्नोर करिएगा tenth वाले पॉइंट को Eleventh इज फर्स्ट टीम टू विन द Fed कप ठीक है Fed कप आई थिंक टेनिस के रिलेटेड होते हैं ये USA ने जीता था एंड ये भी रिपीट हो गया कि द फर्स्ट टीम टू विन द राइडर कप दैट इज द USA and एंड द फर्स्ट टीम टू विन द Cup कप दैट इज मलेशिया ठीक है राइडर कप किसके रिलेटेड होता है आई थिंक गोल्फ के रिलेटेड होता है एक बारि आप भी चेक कर लीजिएगा एंड द फर्स्ट टीम टू विन द थॉमस कप ये बैडमिंटन का होता है मेंस का तो ये मलेशिया ने जीता था और फर्स्ट टीम टू विन द उबर कप ये वुमेन्स का होता है बैडमिंटन का और ये यूएसए ने पहली दफा जीता था ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं हम अगर द फर्स्ट टीम टू विन द सुधीर मैन कप दैट इज द इंडोनेशिया एंड फर्स्ट इंडियन टू स्कोर द ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट दैट द वीरेंद्र सहवाग और फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स दैट इज़ द ग्रीस द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर द थ्री टेस्ट सेंचुरी इन थ्री सक्सेसिव टेस्ट ऑन डिब्यूट तो ये किसने किया था मोहम्मद अजरुद्दीन ने फर्स्ट मैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल दैट इज़ द सचिन तेंदुलकर ठीक है तो ये थे कुछ आज की वीडियो के पॉइंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप uh, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और कैपिटल्स के ऊपर भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है आप प्ले में जाके देख सकते हो और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में एम जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं लेट्स लर्न टुगेदर बाय रेवा मैम अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो सो so, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके भी एम आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे सो so, तब तक के लिए आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए